Hey guys, we are back with our another video. Good morning, welcome to my new vlog. तो जैसे कि अब हम उठे हैं तो यहाँ नॉर्थ गोवा घूम रहे थे हम चार दिन से. बोल रहा था भैया यार, मुझे बदतमीज मत करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ. नॉर्थ गोवा घूमे हैं, नॉर्थ नॉर्थ गोवा घूमे हैं हम चार दिन से. अब जाएंगे हम साउथ गोवा की तरफ. साउथ गोवा में जो जो होगा वो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आपके लिए. और दिव्यांशु तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ साउथ गोवा. देखते हैं, एक्सपेक्टेशन तो बड़ी हाई है कि घूमने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि रील्स और इन सब चीज पे हमने बहुत देखा है कि इतनी सुंदर जगह है, ये बीच है, वो बीच है. अब जाके एक्सप्लोर करते हैं. प्लानिंग बहुत सारी थी, ये करेंगे, पर अब लिमिटेड डेज रह गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं. चलते हैं और आपको रास्ते में दिखाते हैं कैसी कैसी लोकेशन है, क्या क्या व्यू है और कहाँ पे जाते हैं, सब बताते हैं. जल्दी चेकआउट करना है, 10,000 रुपए लगा रहा है वो एक्स्ट्रा. दे देंगे दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास. तुम रिच किड्स, तुम्हारा क्या कहना है इन 10,000 रुपए के लिए? मेरे हिस्से में तो 1100 कुछ रुपए आएंगे, मैं तो तैयार हूँ जी. तो गाइज अब हम कर रहे हैं चेकआउट. यहाँ का सफर इतना ही था, अब यहाँ से सीधे चलते हैं साउथ गोवा की तरफ. अब हमने स्टॉप लिया है, अब हम जा रहे हैं KFC. बढ़िया फ्राइडे को ही लाइए यहाँ पे. ये चिकन वाली है. ओ, इनकी ग्रीन वाली कहाँ है? अच्छा, हाँ जी जेठ जी. बढ़िया है, खा के दिखाना कैसे खाते हो तुम KFC का चिकन. मुझसे शादी करोगी वाला वो है ये. अक्षय कुमार को जो ससुर थे. मत पूछो, सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है. तो गाइस अभी यहाँ पे हम रुके हैं, सब बहुत अच्छी रोड थी है. और इसके बाद आगे चलेंगे, आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यू आएंगे. अब वैसे अब तो सनसेट हो चुका है, हम थोड़े लेट हो गए निकलने में. हाय बेबी, व्हाट्स अप. अदल्ले अबे कहाँ चोरी करने जा रहा है चोर. वेलकम टू साउथ गोवा. हाय गुडी सर, आई एम संजय सिंघानिया. हाय, आई एम संजय सिंघानिया. हाय जेठ. भैया मैं तुम्हें अपनी टैक्सी बेच के पैसे दे दूंगा, तुम्हें जरूरत पड़ी तो टैक्सी बेच दूंगा अपनी दोनों. ओह यार ये कितनी ऑसम है यार. एक घंटे से घूम रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ रहने के लिए. तो देखो ना लोकेशन डालो, आपको ही तो पता है. बड़ी रोड पे साइड में. हाँ चलो चलो. ओ
तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वह 5 बजे से निकले हुए हैं दोपहर और अब पहुंचे हैं, वो भी अभी रूम ऐसा ही मिला है बस कि हाँ। शिवम भाई का मूड बहुत खराब है, चटका हुआ है दिमाग, और होटल ऐसा ही मिला है अभी बस नॉर्मल। हालत बहुत खराब है गाइस, देखो थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। रात के 3 बज रहे हैं गाइस, सब सो गए, बस डाकू भाई, चिराग भाई और मैं जाके हुए हैं। हमने ये होटल लिया था, रात को बहुत लेट पहुंचे थे, कहीं होटल नहीं मिल रहा था तो हमने यही वाला होटल ले लिया। अब हमारा प्लान है कि अब हम सब जाएंगे बीचेस देखने, हमने सर्च करी है कुछ 4-5 बीचेस हैं, वहाँ जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसी कैसी क्या क्या व्यू है। तो साउथ दिल्ली में ऐसा है कि सब पीसफुल है यहाँ पे, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यार दुख सा हो रहा साला, बड़ी जल्दी खत्म हो रही है तो। अभी तो दिन है, क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों ले रहा है। शिवम भाई बाबू खड़े हो जाओ, नहीं ये बहू सोती रहती है सबसे लास्ट तक, ये वाली जो लेटी पतली सी इसकी नहीं बहू है हमारी। बस कुपा केव चल रहे हैं पहले, कुपा केव 9 किलोमीटर है। हाँ 9 किलोमीटर है कुपा केव, वहाँ चल रहे हैं पहले। मैंने डाल के देख लिया, 18 मिनट लग रहे हैं, 9 किलोमीटर है कुपा केव चल। मैंने डाल के देख लिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। भाई साहब शेर ने काटा है, बिल्ली भी तो शेर होती है, देखो शेर ने काटा है, लड़ते लड़ते काटा है। इसीने मोजी ने काटा है, कहाँ काटा है भाई के, बिल्ली ने काट लिया भैया के मेरे। तुम्हें तुझे कूपा दिखाऊंगा, तुम्हेरा चूपा लगा। गाइज अभी हम कूपा केव्स आए थे, वो अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो वहाँ से तो हमें धक्का मार के भगा दिया है। कूपा केव कैसे प्राइवेट किसी का हो सकता है यार? भाई वो कह रहा है जब वहाँ पर रास्ता बंद कर रखा है भाई, वो जमीन को कह रहा होगा। तो भाई रास्ते में जाएंगे कैसे, कम से कम 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, चलो पैदल कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैदल चलना उसकी नहीं है, सॉरी कर लो, पैदल चलना बस के लिए। अबे दूसरा बटरफ्लाई वाला जो उस पे चल रहा है, अगले बहन के लिए तो पहली बार गाड़ी में बैठा है आज। पैदल नहीं चलूंगा। जाओ 4 दिन हो गए घूम ही रहे गाड़ी से। हाँ तो मेरिट में तो बहुत सड़ी है, पैदल ही। हाँ तुम ही घूमते होगे अपनी पल्सर पे 220 पे। हाँ मुझे यहाँ पर डबल घूमते रहे इधर से उधर। मोबाइल बेस्ट आएगा ये, मोबाइल ऑयल तुम्हें बाइक वाला बता दिया। चिराग भाई तुम्हें कह रहे बाइक वाले हो तुम, मोबाइल ऑयल बेचते हो। 10 का पैसा दियो। सुन भाई सारी टेबलों पे एक ही चीज पड़ी है, वो मुझे समझ नहीं आ रही, छोले है क्या? बोंगा। ये क्या नाम है इसका? बोंगा। बोंगा मेरा भैया, बोंगा और गुंगा। बोंगा टाइप पापा बाइक पर ये पार्टी कोई भी दे रहा हो तुम्हें फ्री में मिल रहा, खाओ ना पार्टी। खाएंगे? मेरा भाई आज सबको पार्टी दे रहा अपनी तरफ से। डाकू लव यू, डाकू भाई लव यू। 4 दिन में तो ना बोला एक बार भी, बहुत बार बोल दिया भाई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती।
गाइस कैसा लगा आपको यहाँ पार्टी करके? कैसा लगा डाकू ब्रो? It was tiring. I'm tired now. बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन. So guys, party's over. कोई आए गोवा तो मैं लोकेशन डाल दूंगा, आ जाना सब, बहुत ही वर्थ इट जगह है, बहुत ही सेक्सी. कौन से आपका पैकअप? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो. एक बस हम ही अपने ग्रुप में जो है नींद नहीं आती, शिवम भाई, मैं और आयुष. अब रात को पार्टी करके आए शिवम भाई, वो सब सो गए थक के, हम अब बीच पे आए, आयुष ही आ रहा. क्या ले रहा? तेरी बहन की, तेरी साइंटिस्ट की, साले डिस्कवरी में डिसिप्लिन इंचार्ज है तू. चोर. पानी निकाल लिया जी हम. बोरिंग कर रहे हाथों से, बोरिंग कर रहे. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना. देखिए गाइस, आपकी एक मछली पकड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, देखिए कितने सारे लोग हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं. सी देखिए गाइस, ये इन्होंने मछली पकड़ी है, अभी मैंने हाथ में पकड़ रखी है, खाऊंगा ये, खाएंगे शिवम बा. कौन सी मछली है ये? शार्क है. मुझे 1000 का नोट पा गया. कहाँ पाया? चूतिया 1000 का होता ही नहीं, बंद हो गया. ए, सफेद कपड़ा. ओ ओ तू दल्ले लगता भी मछुआरा सही है. तू यही काम करने लग. देखा ये क्या ढूंढा? अगर तो कुछ नहीं निकला ना, बहुत ही मारूंगा. अगर कुछ नहीं निकला जान से मार दूंगा यही. क्या है? इतने सारे सीप है. हाँ बहुत सारे हैं. बहुत सारी सीप है रे. चप्पल चोर है, किसी की भी चप्पल रिकॉर्ड करने बैठ जाता है. क्या हो? चप्पल चोर. तेरी चप्पल चुरा लूं? चुरा ले, चोर तो है तू, चप्पल चोर. मंदिर के बाद तो तू बैठा रहता है. मंदिर कहाँ है? मेरे नाइकी एयर जॉर्डन जो है ना, वो चोरी हो गए. फनी गाय झाटू. मोहब्बत हो तो ऐसी हो, बुढ़ापे में भी लहरों के बीच में. चप्पल चोर तेरी तरह चप्पल चोर. Thank you.
मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। सुबह सुबह का एक बहुत कठिन टाइम होता है जब भूख लगती है, अगर आप पूरी रात के जगे हुए हो तो खाना मस्ट है, थोड़ा बहुत स्नैक्स देखते हैं मॉर्निंग। क्या खाएगा भैया? तेरी बहन की तेरी रस खाता तू, पापे रस भी नहीं पापे खाता तू, और खाता एक रुपए का एक वाला फैन, तू खाएगा न्यूटेला? आपकी पैनकेक कौन से अच्छे हैं? तेरी जिसमें नशरा देखो ये है यहाँ का पैनकेक, देखो डोसे पे, इन्होंने डोसे पे डोसे पे चॉकलेट न्यूटेला लगा के दे दिया, खा ले फर्जी बैन। इसे बता तो खा के कैसा एक बार टेस्ट तो कर, डोसे का कौन सा हिस्सा काट रहा, देख कौन सा हाथ से काट रहा है, इससे तो काटते हैं चोदू, इससे पकड़ते हैं ऐसे। ओ, आलू भी भर रहे अंदर सो गाइस अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, कम से कम 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद ये ट्रैक है पूरा, उसके बाद आपको बीच दिखेगी, दिखाते हैं आपको बटरफ्लाई बीच कैसी, आना वर्थ इट है या नहीं इतनी मेहनत करके। अच्छा भाई एक बात बताओ, इतना चल के आने के बाद आपको वर्थ इट लगा यहाँ? हर जगह ना एक नया है भाई, मुझे तो वर्थ इट लगा, वर्थ इट लगा, आना चाहिए जो भी आ रहा है गोवा वो बटरफ्लाई बीच जरूर आए, मेरा अपना ओपिनियन है और आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको व्यू भी दिखाया पूरा कितना अच्छा है, बहुत पीस बहुत प्यारी, मतलब डिफरेंट प्लेस लगी मेरे को, ये देखो मेरे पीछे व्यू देखो, ये वर्थ इट है ना, एग्जैक्टली वही तो मैं ही बोल रहा हूँ कि वर्थ इट है, बहुत मतलब पीसफुल जगह है, और ये व्यू देखो, ये वाला शांति से बैठना हो ये देखिए, सिर्फ समंदर, बट ये पूरे गोवा में मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला, ये वाली पहाड़ और वो देखो सामने वो। और पानी सबसे ज्यादा साफ है, और भी और सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगता है, ऐसा नीला पानी हो, लहरें चट्टानों को टकराती रहे, बैठ के थोड़ी देर में सुकून से। तो गाइस अब बोलते हैं बीच को टाटा, बहुत मज़ा आया नहाने में, सब भाई तैयार होके अपना आए थे और अब गिरे होके जा रहे हैं।
बहुत मजा आया गाइस। तो गाइस बहुत ही मशक्कत करके हम सब यहाँ पहुंचे हैं और सब थक गए हैं बहुत ज्यादा, बट तोड़ फट गए। मजा आया, बहुत फन आया और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारी जर्नी तो इसको अपना थोड़ा सा प्यार दें, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। लाइक आइकन दबाना ना भूलें और बेल आइकन आता ना लाल से घंटा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, लव यू गाइस। आवर जर्नी इज एंड, बॉयज बी लाइक दोबारा चलो गोवा।